तो कांग्रेस के कई दिग्गजों के पार्टी छोड़ने के बाद आज महाविकास आघाड़ी की बैठक एक बार फिर से हुई और इसमें तीनों ही पार्टियों ने सीटों को लेकर माथापच्ची की है। बैठक के बाद तीनों ही पार्टियों ने दावा यह किया कि करीब करीब सारी सीटों पर सहमति बन चुकी है और बंटवारा बहुत ही जल्द कर लिया जाएगा। कल फिर से एक बार महाविकास आघाड़ी के नेताओं की बैठक होनी है। महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी है, वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में बात कर रहा हूँ, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना वंचित बहुजन आघाड़ी, आज लगभग हमारा पूरा ड्राफ्ट तैयार है कौन कहाँ लड़ेगा। आज वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रतिनिधि भी आए थे, बैठे थे, और मुझे लगता है उनसे भी बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई है। कल वापस हम बैठेंगे और उनका जो अंतिम प्रस्ताव है उसके ऊपर चर्चा होगी, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में और देश में जिस प्रकार की तानाशाही और संविधान के खिलाफ मोदी जी ने मोर्चा खोला है, उसे लड़ने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी हमारे साथ रहने वाली है। महाविकास आघाड़ी जागा वाटपाच्या बद्दलच एक फाइनल स्टेज वर चर्चा झालेली आहे। आज आम्ही बाळासाहेब आंबेडकर यांनाही आम्ही प्रस्ताव दिलेला आहे, उद्या त्यांचा प्रस्ताव आमच्याकडे येईल आणि जवळपास महाविकास आघाडीमध्ये वंचित आघाडी ही पण समाविष्ट होईल असा आमचं आता मत झालेलं आहे आणि जवळपास उद्या नाही तर परवा महाविकास आघाडीच्या जागावाटपाचा प्रश्न अंतिम निर्णय आम्ही करू।